हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपसे पार्टनरशिप अकाउंट के फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में, क्लास नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 में बात करेंगे किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, ओके सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हमें अब बात करनी है इस लेक्चर में। क्या होता है ये, सीधी सी बात, एक छोटी सी बात समझो आप। आपने 11th में अकाउंट बनाए हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया है। पहले यहाँ तक ट्रेडिंग आ जाता था, उसके बाद में और उसे थोड़ा सा हम बड़ा करके क्या बना देते थे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना देते थे। ऐसे करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट अपना ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना नीचे। जो भी नेट प्रॉफिट आता था, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, उसे हम कहाँ ले जाते थे, कैपिटल अकाउंट में। अब हमें पार्टनर्स अकाउंट्स में क्या करना है, बस इसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इसके बाद बनता है बेटा। ये एक्सटेंशन है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का भी। मतलब जो नेट प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स का, वो हम ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऊपर ही लिख देते हैं, क्या सर हमें ट्रेडिंग एंड P&L बनाना है, तो भूल जाओ, ना हमें ट्रेडिंग बनाना, ना हमें P&L बनाना, हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और वो कैसे बनता है, उसी के बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्या है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का थोड़ा सा और हिस्सा बड़ा कर देते हैं, जिसे हम एक्सटेंशन के नाम से बोल रहे हैं। और ये एक्चुअली दिखाता है कि हमें जो हमारा प्रॉफिट आया वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। कौन सा प्रॉफिट, मैंने कहा कि अवेलेबल प्रॉफिट, एक बात समझो, अवेलेबल प्रॉफिट जो कमाया फर्म ने, जो भी ड्यूरिंग द ईयर कमाया, वो तीन पार्टनर्स के बीच में बटना है। कितने पार्टनर्स के बीच में बटना है, तीन पार्टनर्स के बीच में बटना है। अब वो जो तीन पार्टनर्स के बीच में बांटना है, तो मैं उसे आप रेशियो के अकॉर्डिंग बांटोगे, ठीक है, लेकिन उसे बांटने से पहले ये देख लो, क्या किसी पार्टनर ने सैलरी के लिए तो नहीं बोला हुआ, आपने एग्रीड तो नहीं करा हुआ, क्या किसी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो नहीं बोला हुआ, क्या किसी ने कमीशन के लिए तो नहीं बोला हुआ। ये भी तो चीज़ें आपको देनी है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में एग्रीड करा हुआ है, तो उसे हम कहाँ लेंगे, उसे हम P&L अकाउंट में तो लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे P&L अकाउंट में, उसके लिए भी बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं आपकी, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये P&L अकाउंट में नहीं आते, P&L लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रहे हैं। ऐसा क्यों है, तो उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्या है, ये दो पॉइंट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो होता क्या है, बेसिकली एक खर्चा है, मान लेते हैं कि एग्जांपल से समझेंगे, एक खर्चा है। मैंने पहले खर्चे की बात करी कि मुझे सैलरी देनी है एम्प्लॉय को, मुझे अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। और दूसरा पॉइंट है कि मुझे सैलरी देनी है पार्टनर। अब आप मुझे एक बात समझो, इस चीज़ को छोटी सी बात ये बताओ कि जो हमारी सैलरी टू एम्प्लॉई है, सैलरी टू एम्प्लॉई है, ये तो हमें देना ही देना है भाई, हम इसे देने के लिए मना नहीं कर सकते। जैसे कि आपका कोई खर्चा कि वो पेड होना ही होना है, लाइक आपका रेंट। मैंने कहा कि रेंट आपने इवन पार्टनर से ही क्यों ना ले रखी हो बिल्डिंग, रेंट टू पार्टनर। किसी पार्टनर ने आपको बिल्डिंग दी हुई है, फर्म को बिल्डिंग दी हुई है रेंट पर, उस पार्टनर को आपको रेंट देना ही देना पड़ेगा, बिकॉज वो थर्ड पार्टी से लेते हैं, तब भी आपको देना ही पड़ता है। इसमें एक सिचुएशन हो रहा है, अगर इस वाले पॉइंट को हटाएं यहाँ से, सैलरी टू एम्प्लॉय से पार्टनर से ही रिलेट करें, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन की हमने लास्ट टाइम में बात करी थी, लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में, तो उसमें हमने ये बातचीत करी थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू अ पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के हैं। अगर आप बात को समझ पा रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब ये कि अगर लोन हमने पार्टनर से ना लेके किसी और व्यक्ति से लिया हुआ होता, तो भी हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ता। अगर हमने रेंट पर जो बिल्डिंग ली हुई है वो पार्टनर से ना लेकर किसी और से ली होती, तो भी हमें पेड करना पड़ता। तो ये जो दोनों पॉइंट है, ये हमें हर केस में पेड करने ही हैं, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमें पेड करने ही हैं, डेट इज मस्ट, ठीक है ना। तो इसे बोल देते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट,
इसे क्या बोलते हैं हम, चार्ज बोल देते हैं, इसे हम चार्ज के नाम से बोलते हैं। जबकि सैलरी टू पार्टनर को इसे हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, क्योंकि वो हमारे हैंड में है कि भी प्रॉफिट होगा तो देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम तुम्हें सैलरी भी कहाँ से देंगे। पार्टनर्स मतलब जो मालिक हैं वो भी खुद इस बात को नोट करते हैं कि प्रॉफिट होगा तो ही तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, सैलरी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ये कुछ इसमें पॉइंट आते हैं लाइक, और इसमें पार्टनर्स कमीशन है। अब इन वाले पॉइंट्स को हम यहाँ समझते हैं। इसीलिए क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो होता है कि जो हमें पेड करना ही है, इवन द केस इज इन लॉस, अगर केस लॉस में भी है, अगर कोई केस लॉस का भी है तो भी आपको ये चीज़ें तो पेड करनी ही पड़ेंगी। बट एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सिर्फ हम तब देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम इसे भी नहीं देंगे। तो क्या सर पे एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट कम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग से देंगे? बिल्कुल सही बात है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को बांटेंगे, लेकिन कैसे वो आगे हमें देखनी है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड, हमें ये हमारी क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड पता ही है, 11th में इतना पैसा आपका क्लियर हो गया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में आप क्या डालने वाले हो, बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट, जो आपका कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, वो आपने इधर क्रेडिट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में एक चीज़ लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है बेटा, फर्म के लिए क्या है, इनकम है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। अब फर्म के लिए इनकम है, हम बना भी फर्म का ही अकाउंट रहे हैं तो इसमें तो इनकम जो हो जाएंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। अब ये बाकी सारे खर्चे इसमें डेबिट हो रहे हैं, खर्चे कौन कौन से डेबिट हो रहे हैं, सबसे पहले देखें इसमें आ रहा है टू पी एंड एल अकाउंट, ये एक्चुअल में है क्या पी एंड एल अकाउंट, मतलब ये कि अगर आपका लॉस हो, अगर पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट नहीं है लॉस है, ये कंडीशन होगी इफ में, इफ का मतलब है यहाँ पर If any, यदि कोई हो तो फिर आपका क्वेश्चन प्रॉफिट से ना होकर लॉस से स्टार्ट होगा, लॉस में आप यहाँ पर डेबिट कर दोगे, उसके बाद बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे और आंसर निकाल लोगे, फिर आप और कुछ भी चीज़ नहीं दोगे, एक्सपेंसेस दोगे ही नहीं, लॉस है तो आप ना सैलरी दोगे ना कमीशन दोगे। तो बस उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करके क्रेडिट कर लेते हैं, आंसर ले आते हैं। बट पहले पीछे चलते हैं अपने पॉइंट पर कि अगर मान लो प्रॉफिट है, क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसकी अमाउंट कैलकुलेट करके आपको लिखनी है। जैसे जैसे ए की आ रही है, जो भी अमाउंट आएगी इसमें एक्स वाई जेड, बी की जो भी इंटरेस्ट पर कैलकुलेशन होगी वो, उसके बाद में पार्टनर्स की सैलरी भी डेबिट होगी, खर्चा है ये भी टू पार्टनर्स कमीशन, ये भी खर्चा है डेबिट होगा। उसके बाद में बात आती है रिजर्व की, तो रिजर्व भी आएगा, रिजर्व किस चीज़ पर बनेगा, ये प्रॉफिट पर बनेगा। रिमेनिंग प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हम भविष्य के लिए उठा करके रख देते हैं ताकि कोई भी लॉस जैसी कंडीशन अगर भविष्य में कुछ आए तो हम उसे झेल पाएं। रिजर्व इसलिए बनाया जाता है, तो रिजर्व को भी इधर ले लेंगे डेबिट में, उसके बाद जो बचेगा आपके पास वो कहलाता है डिवाइजेबल प्रॉफिट, जिसे हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये ध्यान रखना, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में एग्रीड रेशियो में, ठीक है, एग्रीड रेशियो में, इसे क्या लिख दें हम, एग्रीड रेशियो, जो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने लिखा हुआ है रेशियो, या तो उसके अकॉर्डिंग से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इस वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अदरवाइज फिर क्या होगा, इक्वल होगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर क्या होगा, इक्वली, तो मैंने इसमें स्लैश लगा दिया, या तो एग्रीड रेशियो होगा या फिर आपका क्या होगा, इक्वली होगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, दोबारा देख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे स्टार्ट करेंगे, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसे क्रेडिट में रखेंगे, इनकम रखेंगे, जो भी इधर होगी क्रेडिट में आ जाएगी, जो भी खर्चे होंगे उन्हें डेबिट करेंगे लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, उसके बाद में हम प्रॉफिट निकाल देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसे बोलते हैं अवेलेबल प्रॉफिट और इसे बोलते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइजेबल प्रॉफिट को ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। हमने उसके पहले बात और करी थी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है और एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट होता है वो दोनों अलग अलग हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमें देना ही देना है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें पेड करने ही करने हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट का मतलब है कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम कुछ खर्चे जो हैं वो देंगे वरना नहीं देंगे। कुछ खर्चे से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। एग्जांपल के लिए मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर क्या है गाइस, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, क्या हैं ये चार्ज की तरह काम करते हैं। और बाकी के जो सारे एक्सपेंसेस हैं लाइक सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसमें एक पॉइंट था पार्टनर्स कमीशन, ये हमारे काम करते हैं किसके, एप्रोप्रिएशन की तरह। तो एप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट में इन्हें ले आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर की कैलकुलेशन हम उसे करते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अगर समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके अपना कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।